तो नमस्कार, प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, यह शेयर आज की डेट में मार्केट में 13% क्रैश हुआ, 13% ऑलमोस्ट 160 से 170 पॉइंट, ठीक है। अपने शेयर होल्डर को आज खून के आंसू रुला दिए। अब वो क्या न्यूज़ है वो हम देखने वाले हैं, किस सेक्टर से बिलोंग करता है दोस्तों ये स्टॉक, ठीक है। उसी के साथ साथ इसका बिजनेस मॉडल फ्यूचर में किस प्रकार से देखने को मिलेगा, हम इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। क्योंकि दोस्तों, अगर ये 13% गिरा है, अगर अच्छा स्टॉक हुआ, अच्छा कंपनी हुआ, तो वो बहुत बड़ा रिवर्सल ज़रूर देने वाला है, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे अच्छी तरीके से। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक और चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, जो हमारी प्रॉफिट गुरु चैनल पे, मतलब इसी चैनल पे जो इंट्राडे की टिप्स वाले वीडियो आते थे दोस्तों, वो अब हमने शिफ्ट कर दिए हैं प्रॉफिट गुरु की क्लास चैनल पर, ठीक है। उस चैनल का लिंक दोस्तों आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्रॉफिट गुरु की क्लास चैनल का। जाइए उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वहाँ पर वीकेंड पर भी टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस वाले वीडियो आएंगे, और डेली बेसिस पर इंट्राडे टिप्स का जो वीडियो रहेगा वो वहीं पर अब आप लोगों के लिए आएगा, ठीक है। और उसका लिंक हम टेलीग्राम ग्रुप में हम जरूर प्रोवाइड करेंगे, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया टेलीग्राम का, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं उस कंपनी की फंडामेंटल कंडीशन। तो यहां पर आप देख सकते हो NSE और BSE दोनों ही एक्सचेंज पे कंपनी लिस्टेड मिलेगी। कंपनी का मार्केट कैप है 40,500 करोड़ का, ठीक है। पी अर्निंग रेशियो देखेंगे 34.6 का है। रिटर्न ऑन एम्प्लॉय अगर देखेंगे तो लगभग 9% का देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखें तो बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है, 22.3% का। बुक वैल्यू 197 रुपये का है। करेंट मार्केट प्राइस आप देख सकते हो 52 बिक का है, 52 बिक का लो देख सकते हो, और फेस वैल्यू देख सकते हो। अगर देखा जाए दोस्तों तो सभी चीज़ हमें यहाँ पर अच्छी देखने को मिल रही है, खाली एक रिटर्न ऑन एम्प्लॉय को छोड़ के। देन उसी के साथ साथ अगर देखते हैं, ठीक है, कंपनी के अंदर का कुछ अच्छा परफॉर्मेंस, तो आप देखेंगे कंपनी हैज़ डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ। लास्ट 5 साल में आप देख सकते हो कंपनी का क्या ग्रोथ देखने को मिला है। कंपनी का जो मीडियम सेल्स ग्रोथ है लास्ट 10 साल में आप देख सकते हो क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये पॉजिटिव क्वालिटी है, नेगेटिव क्वालिटी भी हमें देखने को मिल रही है भर भर के। क्या देखने को मिल रहा है, द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिस्पेक्ट प्रॉफिट, इट इज़ नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। मतलब दोस्तों, कंपनी अनुमान से बेहतर एक रिस्पेक्ट करने वाला प्रॉफिट निकालती है हर क्वार्टर्स में, हर ईयर्स में, लेकिन वो डिविडेंड नहीं देती, तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिलती है, ठीक है। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवर रेशो, ठीक है, ये एक नेगेटिव न्यूज़ है। कंपनी के अंदर जो इंक्लूडेड अदर इनकम रहता है, एक ये नेगेटिव न्यूज़ है। और प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है लास्ट 3 साल में 3.81% की कम होते देखने को मिली, तो ऐसी कुछ नेगेटिव और ऐसी कुछ पॉजिटिव क्वालिटी देखने को मिल रही है। देन उसके बाद अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट पे फोकस करते हैं कि कंपनी अपने हर 3 महीने का परफॉर्मेंस क्या दर्ज कर रही है, तो आप देख सकते हो सितंबर 2018 में कंपनी ने 683 करोड़ की यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट की थी। दिसंबर 18 में देख सकते हो बहुत ही शानदार, 19 में देख सकते हो, मार्च 19 में, मार्च जून में देख सकते हो, सितंबर 19 में, दिसंबर 19 में, ठीक है, उसी के साथ साथ मार्च 20 में, यहाँ तक अगर देखें जून 20, सितंबर 20, ठीक है, दिसंबर 20, मतलब अगर देखा जाए ना दोस्तों तो हर क्वार्टर्स में, मतलब सितंबर 2018 में कंपनी का परफॉर्मेंस ये था, ठीक है, पूरे क्वार्टर्स में 683 करोड़ का क्या किया था, रेवेन्यू जनरेट किया था, ठीक है, और यहाँ पर 1353 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करी। मतलब हर क्वार्टर्स में कंपनी का इंप्रूवमेंट हो रहा है, फिर भी आज इतनी बड़ी गिरावट क्यों। मतलब अगर देखा जाए तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, जैसे हर देखिए हर क्वार्टर्स में कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़ रहा है हर क्वार्टर्स में, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा कम हो गया था, फिर यहाँ पर रिकवरी, बहुत शानदार रिकवरी यहाँ पर भी, और यहाँ पर मार्च क्वार्टर में थोड़ा कम हो गया था, लेकिन फिर से यहाँ पर रिकवरी आई। EPS भी देखेंगे 3-4 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, वही EPS 10 से 15 रुपये पर भी गया, और यहाँ पर थोड़ा कम हो गया था, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट कम आया था, ठीक है। अगर हम देखें प्रॉफिट एंड लॉस पूरे साल भर में, तो मार्च 2010 में आप देख सकते हो कंपनी ने पूरे साल भर में
53 करोड़ का ही रेवेन्यू जनरेट किया था। और यहाँ पर देखिए हर क्वार्टर्स में जनरेट हो रहा है, उसका मोमेंटम तो हर साल भी जनरेट ही होगा। ठीक है, जो 53 करोड़ का 2010 में परफॉर्मेंस था कंपनी का, वो 2011 में लगभग 4,950 करोड़ पे कन्वर्ट हो गया। मतलब लगभग 4,900 करोड़ का रेवेन्यू 11 साल में कंपनी का बढ़ा है दोस्तों, 11 साल में। तो ये बहुत अच्छी बात देखने को मिल रही है। अगर प्रॉफिट की मैं बात करता हूँ तो 12 करोड़ का खाली प्रॉफिट था, 8.51 रुपये का EPS था। ये पूरे साल भर का डाटा है। और वही दोस्तों रेवेन्यू आप देख सकते हो यहाँ पर 1171 करोड़ पे पहुँच चुका है, और जो EPS जो 8 रुपये का था वो पहुँच चुका है 37.50 रुपये। देखा जाए तो कंपनी का जो मोमेंटम है हर साल इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और अब मतलब ऐसा नहीं है कि नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, ये तो ऊपर ही ऊपर ही पूरे अच्छा खासा भागते जा रहा है। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर हम शेयर होल्डर पैटर्न पे फोकस करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो शेयर होल्डर पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ अगर देखेंगे प्रमोटर्स का स्टेक, तो प्रमोटर्स हर क्वार्टर्स में अपना स्टेक कम करते ही जा रहे हैं लगातार। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ से देखना चालू करेंगे तो आपको कम होते ही देखने को मिलेगा। FII भी दोस्तों बहुत बड़ा बड़ा स्टेक लेके बैठे हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो FII को बहुत कॉन्फिडेंस है कि कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देगी। ठीक है, DII की अगर मैं बात करता हूँ, DII भी अच्छा खासा स्टेक लेके बैठे क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है दोस्तों। तो ऐसी कंपनी को कौन मतलब इग्नोर करेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, सेल्स ग्रोथ बढ़ेगी, डेफिनेटली दोस्तों कंपनी का असेट क्वालिटी भी बढ़ेगा, वहाँ से भी बहुत सारा मोमेंटम मिलेगा। तो देखने को जाए तो दोस्तों कंपनी तो एकदम A1 नंबर कंपनी की देखने को मिल रही है। ठीक है, जिसके मार्केट में अच्छी वैल्यू भी है, कंटिन्यूसली अपना मोमेंटम भी जनरेट कर रही है, लेकिन दोस्तों जो गिरावट है उसका तो फंडा और ही कुछ देखने को मिल रहा है। तो चलिए उसका जो न्यूज़ है वो भी कवर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो IIFL की साइट के ऊपर लाया हूँ, जो कंपनी है दोस्तों वो है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, स्टॉक में गिरावट है। ठीक है, स्टॉक में गिरावट क्यों है, कुछ रिपोर्ट के मुताबिक एक न्यूज़ आया कि जो उसका टॉप मैनेजमेंट का व्यक्ति है उसने लीव मतलब एग्जिट कर दिया है। ठीक है, नीचे अपन न्यूज़ को देखते हैं। न्यूज़ तो वैसे तो 31 अगस्त का ही देखने को मिल रहा है, ठीक है, मॉर्निंग का है। और यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे शेयर ऑफ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉल ट्यूसडे, मतलब आज के दिन काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। CNBC TVNET के जो रिपोर्ट के मुताबिक अगर देखें, ठीक है, तो जो बैंक का हेड इंटरनल ऑडिटर था, ठीक है, जयपुर हेड ऑफिस का, ठीक है, सुमित धीर जी, ठीक है, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। मतलब दोस्तों एक बहुत बड़ी पोस्ट वाले व्यक्ति ने, ठीक है, रिज़ाइन कर दिया है, जिसका ही इंपैक्ट आज हमें दोस्तों स्टॉक पे देखने को मिला है। तो नीचे भी देखते हैं कुछ रीज़न देखने को मिलेगा क्या। दीर वॉज सीन रिप्लेसमेंट ऑफ नितिन गुप्ता चीफ ऑडिटर ऑफिसर। ठीक है, मतलब अगर देखें तो जो इनका रिप्लेसमेंट होगा दोस्तों, नितिन गुप्ता जो चीफ ऑडिटर ऑफिसर हैं, जिनकी जो ज्वाइनिंग हुई थी दोस्तों मार्च 2021 में, ठीक है, इनका रिप्लेसमेंट वहां पर किया जाएगा। देन उसी के बाद अगर देखें तो नीचे भी और कुछ बताया जा रहा है, दिस इज़ द थर्ड हाई प्रोफाइल रिजाइनेशन। मतलब दोस्तों ये तीसरा व्यक्ति है हाई प्रोफाइल वाला जिसने इस बैंक से एग्जिट किया है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, इन रिसेंटली मंथ, मतलब दोस्तों अगर देखें, ठीक है, तो मतलब बीच ही में अगर देखें जुलाई अगस्त के बीच में ही यहाँ पर लगभग 3 व्यक्ति इस कंपनी को इस बैंक को छोड़ के चले गए थे। आप देखेंगे जुलाई 14, 2021 आलोक गुप्ता रिजाइनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ रिस्क ऑफिसर थे। ठीक है, उन्होंने भी यहाँ पर क्या किया था, रिज़ाइन किया था। ठीक है, और द मीडिया मतलब ये एक मीडिया के रिपोर्ट के हिसाब से बताया जा रहा है, ये मीडिया ने इस रिपोर्ट को एडिट किया है। ठीक है, उसके बाद अगर देखिए फर्दर सुमित धीर, ठीक है, हेड कम ऑफ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक आफ्टर सेविंग एट कोटक महिंद्रा बैंक मोर देन 18 ईयर्स। मतलब दोस्तों जो सुमित धीर जी थे उन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक में लगभग दोस्तों 18 साल काम किया था। ठीक है, एक अच्छे खासे पोस्ट पे थे व्यक्ति और अच्छी खासी पहचान भी बना चुके थे कि दोस्तों ये बैंकिंग सेक्टर में। अगर हम देखें संजय अग्रवाल जी जो रिपोर्टिंग डायरेक्टर है, ठीक है, MD एंड CEO ऑफ द बैंक के, ठीक है, उन्होंने कुछ मीडिया को स्टेटमेंट इसी प्रकार से दिया है कि अच्छे खासे व्यक्ति थे,
रीज़न तो नहीं बताया, कुछ पर्सनल रीज़न होगा जिनके कारण इन्होंने एग्ज़िट किया है। जैसे आपने देखा होगा अभी सभी जगह से, काफ़ी जगह से, मतलब काफ़ी बैंकिंग से बड़े बड़े जो पोस्ट ऑफिसर है, मतलब वो तो एग्ज़िट कर रहे हैं कुछ ना कुछ। कोई बैंक की हालत गंभीर हो गई, जैसे आपने देखा था कि अभी यहाँ पर जो अपना उज्जीवन फाइनेंस बैंक था, वहाँ से भी एक बड़े पोस्ट अधिकारी ने अपना एग्ज़िट किया था। कंपनी का बेड लोन ये काफ़ी बढ़ रहा था, मतलब उनकी सिचुएशन वो हैंडल नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण उन्होंने एग्ज़िट कर दिया था। अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का आज का परफॉर्मेंस अगर देखें तो बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों। 1125 रुपये पर स्टॉक क्लोज़ हुआ है। अगर देखा जाए दोस्तों तो आज शेयर होल्डर बहुत खून के आंसू रोए होंगे। आप देखिए स्टॉक ओपन होता है 1302 रुपये पे, हाई लगाता है 1307 रुपये पे और लो लगाता है दोस्तों 1051 रुपये पे। ठीक है, अगर देखा जाए तो स्टॉक का जो 52 बिक का हाई था वो 1389 रुपये 85 पैसे का था और लो आप देख सकते हो 1616 रुपये का देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ से अगर देखा जाए तो शुरुआत तो अच्छी हुई थी, यहाँ तक एक हल्की पतली गिरावट थी, लेकिन यहाँ से एकदम से डंप आया। ठीक है, डंप आने के बाद 12:05 से ये जो गिरना चालू होता है दोस्तों तो लगभग दोस्तों 2:20 तक गिरता है। देन उसके बाद जैसे तैसे थोड़ी सी रिकवरी आ जाती है। अगर हम इस गिरावट तक लगाते हैं तो लगभग दोस्तों बहुत बड़ी गिरावट थी, 18.5% तक की गिरावट आप यहां पर देख सकते हो। अगर हम देखें कि लास्ट 5 दिन में तो स्टॉक में 16% की गिरावट है, लास्ट 1 महीने में 8% की, क्योंकि जो रिकवरी हुई थी मेरे को लग रहा वो पूरी गिर चुकी है, क्योंकि रिकवरी यहाँ से हुई थी। ठीक है, पेंडेमिक के बाद सभी बैंकों की कंडीशन बिगड़ी थी मई के बाद, तो यहाँ पर अगर लगाते हैं तो लगभग दोस्तों इसने रिकवरी की थी 35% की। ठीक है, वो ऊपर चले गया, अगर नीचे भी देखें तो ऑलमोस्ट 40% की इसने रिकवरी की थी। ठीक है, मई से अगस्त तक, लेकिन वो सब एक ही बार में धज्जिया उड़ गए उसकी। लास्ट एक साल में देखें तो 60% का परफॉर्मेंस है। अगर यहाँ पर अगर देखते हैं, ठीक है, तो लगभग 92% की दोस्तों शानदार तेज़ी थी। ठीक है, लास्ट 5 साल में देखते हैं तो लगभग 88% की तेज़ी थी और ओवरऑल का परफॉर्मेंस देखें तो बैंक है ना दोस्तों मार्केट में 2017 से ही आई है। देखिए कंडीशन अभी क्या है किसी को नहीं पता है, अगर आगे जैसे भी अपडेट आता है हम आपको अपडेट करेंगे। बस ये कि क्वार्टर सेकंड का एक बार हम रिजल्ट देखेंगे क्या देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको और हम अच्छे से अपडेट करेंगे। अभी जो ट्रेडर्स बना हुआ है इसमें वो बने रहें। ठीक है, नया ट्रेडर्स अगर एंट्री लेना चाहता है तो वो थोड़ा सा रुक जाए, इस गिरावट का अगर फ़ायदा उठाने चाहते भी हैं तो दोस्तों मान लीजिए वो जो जितना भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसका 20% ही खाली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। उन्होंने सोचा था मैं इसमें 10,000 लगाऊंगा तो खाली 2,000 ही लगाई, मतलब 2 ही शेयर खरीदिए। अभी इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करें तो थोड़ा सेफ एंड साइड में रहेंगे, क्या मालूम उसमें और गिरावट देखने को मिलती है, क्योंकि तीन जो बड़े अधिकारी थे दोस्तों एक अच्छी खासी पोस्ट पर थे, 14 जुलाई से लेकर अभी तक उन्होंने क्या कर दिया दोस्तों, रिज़ाइन दे दिया है। तो होगा कुछ ना कुछ रीजन, वो हमें क्वार्टर सेकंड के रिजल्ट में जरूर पता चलेगा। हो सकता है कि प्रोविजन बढ़ रहा हो, ठीक है, बेड लोन की जो कंडीशन है वो बढ़ रही हो और बहुत सारी चीजें, मतलब खर्चा बढ़ रहा हो, ऐसा देखने को मिल सकता है कुछ ना कुछ रीजन। तो जिसके लिए 20% तक ही इन्वेस्टमेंट करने जाए दोस्तों, ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें अभी। ठीक है, क्वार्टर सेकंड के बाद जैसा भी रहेगा वो तो हम अपडेट करेंगे ही, पहले भी अपडेट किया है और अभी बीच में अगर कुछ भी अपडेट आएगा तो वो हम और भी अपडेट आप लोगों को करेंगे। ठीक है, तो ये था आप लोगों के लिए बेस्ट अपडेट AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से। ठीक है, जो गिरावट है उसका रीज़न आपको पता चल गया है। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर अगर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि डेली बेसिस पे हम इसी प्रकार के बेहतरीन मार्केट अपडेट और इंट्राडे की टिप्स वाले वीडियो डेली बेसिस पे लाते रहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।